क्या ईशान की वजह से निनाद हो जाएगा ठीक और फिर सभी हो जाएगी इम्प्रेस। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ईशान और सभी अब बेहद नजदीक आने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरह से सभी के लिए ईशान ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि सभी खुद भी हैरान है। जी हाँ, सीरियल का नया एपिसोड आया है जहाँ पर पहले हमने देखा कि रीवा बार बार ईशान से बात करने की कोशिश कर रही है। रीवा ने ईशान को कॉलेज के लिए भी काफी सारे सजेशंस दिए, लेकिन ईशान ने हर सजेशन को ठुकरा दिया है। तो वहीं हम ये भी देख सकते हैं किस तरह से अब ईशान जो है वो भाई सभी के दादा के लिए बहुत सी चीजें कर रहा है, यानी कि निनाद के लिए। हमने देखा किस तरह ईशान ट्रैफिक में होता है जहाँ सभी के दोस्त ईशान को दिखते हैं। अब ईशान उनसे पूछता है कि हारमोनियम तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, तो सभी के दोस्त बताते हैं कि हम वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ सभी के दादा एडमिट हैं। इस बात पर हम देख सकते हैं ईशान परेशान हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी जो है वो निनाद को ठीक करने के लिए लाख कोशिश कर रही है। अब वो सबसे कहती है यहाँ हारमोनियम किसको बजाने आता है, तो वहीं पर हम देखेंगे कि भाई हरिणी जो है उसके हाथ में चोट लग जाती है, वो मना कर देती है। तभी ईशान वहाँ बजाने लगता है, गाना गाता है और फिर बीच में कहता है कि सभी बस मुझे इतना ही गाना आता है। लेकिन वहीं पर सभी जो है इतने में इमोशनल हो जाती है और वो देखती है कैसे इसके ईशान सर जो है वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। कल आपको क्या लगता है, क्या इनके बीच में यहीं से प्यार की शुरुआत होगी? कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।